Professor Manoj Kumar Jha. Thank you. Thank you, Honorable Chairman Sir. मंत्री महोदय ने अमेंडमेंट जब प्रस्तुत किया तो कहा छोटा सा अमेंडमेंट है, छोटे में ही कहानी छिपी रहती है। वो कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। 370 में आप शेड्यूल 370 एंड 370A ऑफ आईपीसी आप कुछ और दायरा बढ़ा रहे हैं। मैं आज आपत्ति रख रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, और मेरी आपत्तियां सलाह के संदर्भ में है, उचित लगे तो ले लीजिएगा। वैसे भी आपकी मेजॉरिटी है, वहां थी ही यहां बनाने की कोशिश चल रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए जब आप शेड्यूल बढ़ाते हैं। दूसरा, हमारे कई साथियों ने कहा कि फैसिलिटेट स्पीडी ट्रायल एंड प्रोसिक्यूशन, ये डेजिग्नेटेड वाला मामला समझ में नहीं आया। मेरे कई दोस्तों ने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, यू हैड टू गो फॉर, जो आपका एग्जिस्टिंग पहले था ओल्ड सेक्शन 11, यू हैड टू गो फॉर स्पेशल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, रादर देन लुकिंग फॉर ए कवर थ्रू, जहां आप कहते हैं कि डेजिग्नेटिंग द एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट, दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन ट्रेवेस्टी ऑफ वेरी आइडिया ऑफ जस्टिस। सो मैं कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। डर इसलिए भी लगता है ना, एक पुरानी कहावत है, नथिंग इज मोर डेंजरस देन द फैक्ट दैट द एथिस्ट इज प्लेइंग गॉड। यह ध्यान में रखना है सर, नथिंग इज मोर डेंजरस। एक यूएस के सीनेटर हुए थे जोसेफ मैकार्थी, विस्कॉन्सिन से जीते थे, उनके नाम पर एक व्यवस्था चली मैकार्थीज्म, जिसमें बिना एविडेंस के शक की बिला पर लोगों को पकड़ा गया, ट्रायल फेस करना पड़ा, कईयों को छोड़ना पड़ा। सर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जब आ जाती है ना, आपकी तो एब्सोल्यूट से भी ज्यादा है, ह्यूज मेजॉरिटी आती है, तो देयर इज अ टेम्पटेशन टू अशर इनटू एन अथॉरिटेरियन पुलिस स्टेट। वो लालच कई लोगों को पहले हुआ है, उस लालच से बचिए, लालच बुरी बला है, लालच बहुत बुरी बला है, क्योंकि जमहूरियत का मिजाज आप जानते नहीं है। मैंने पहले भी कहा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कुछ नहीं पता 5 साल में क्या होगा। तो ये जो टेम्पटेशन है, इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। मेरे मित्र रागेश जी गलत कह रहे थे, समझौता ब्लास्ट हुआ ही नहीं, अजमेर शरीफ ब्लास्ट हुआ ही नहीं, मालेगांव हुआ ही नहीं, नथिंग हैपेंड, नोबडी डाइड, नोबडी किल्ड। ये हकीकत है, स्वीकार करिए, ये हकीकत है। मैं कई ऐसे युवकों से मिला हूं सर, मेरे खुद के पढ़ाए हुए छात्र हैं विश्वविद्यालयों में, 24 साल जेल में रहे, 24 साल जेल में रहे, बेकसूर होकर के 24 साल बाद निकले। हमारे पास कोई मैकेनिज्म है कि उनके 24 वर्ष हम लौटा दें, वापस कर दें? 24 भर में वर्ष में जिंदगी के सपने तार तार हो जाते हैं, और हम अक्सर उन केसेस को ऐसे देखते हैं जैसे कहीं अजनबी मुल्क में कोई चीज हो रही है। नहीं सर, मैं किसी, देखिए, दल के दायरे से तो ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, मानवीय संवेदनाओं की बात। मेरे घर का बच्चा आपके घर का बच्चा उठा लिया जाए 24 साल के बाद, उसको बेकसूर साबित करके रख दिया जाए, आप कैसा सोचेंगे? उसको अपना बच्चा समझिए, तब शायद हम सब, मैं मानता हूं आतंक को लेकर के अक्सर बात हुई, माननीय सभापति महोदय बिल्कुल आपने ठीक कहा, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। अब तो चुनाव हो गए, आतंक पर क्या हम में से कभी किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी की है कि आतंकियों के बल पड़े हो? कभी नहीं की, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया गया, आतंक पे सॉफ्ट है। नहीं सर, मुझे तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर याद आती है जिसने 14 ईस्वी में आते ही सरकार नहीं बनती हुए कहा कि मुझे सॉफ्ट होने को कहा जा रहा है। सर ये निजाम बदलने से, अगर एजेंसी के सरोकार बदलेंगे ना, ये एजेंसी किसी की नहीं है परमानेंट, आज आपके नियंत्रण में है, कल किसके नियंत्रण में होगी मुझे। और मैं सर एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, मैंने वक्त कहा था थोड़ा इसमें और दे देने के लिए सर, वो है कि एक फेडरलिज्म का मामला है, आपकी कई राज्यों में सरकार है, बस सर एक मिनट और लगा, आधा मिनट बल्कि, कई राज्यों में सरकार है, नेवर गो फॉर अ लॉ और एन एक्ट विच किल्स द वेरी आइडिया ऑफ फेडरलिज्म।
proposed act has the potential to kill the federal principle. So then cooperative federalism kis baat ka hai? And ultimately, sir, let's all strive for a fact. Go for a fact. True democracy is when you are not closed for being open. This is what Bapu taught us. He faced the bullet, right. But the ideology behind that bullet is still alive. Thank you so much, sir. Jai Hind. Thank you.